हे गाइज़ वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइज़ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है एमटीएस वालों के लिए। यहाँ पर 1000 प्लस वैकेंसी बढ़ी है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में 1000 प्लस सीट्स बढ़ी हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। और एनआरिजन के लिए मतलब आरटीआई फाइल की गई थी तो उसी का रिप्लाई आया है। तो इसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको दिखा दूंगा कि दिल्ली में और उत्तराखंड में कितनी वैकेंसियाँ अभी अपडेटेड है, और पुरानी जो ऑफिशियल पीडीएफ है टेंटेटिव वैकेंसी की वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और वैकेंसी कंपैरिजन भी कर लेंगे कि कितनी वैकेंसियाँ बढ़ी हैं दोनों एज ग्रुप में या फिर घटी हैं, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी के पल पल के अपडेट के लिए, क्योंकि पल पल की एसएससी अपडेट सबसे तेज़ आपको मिलेगी हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला पर। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक आरटीआई रिप्लाई का कॉपी यहाँ पर आपको दिख रहा है, और टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो 18 से 25 एज ग्रुप में टोटल जो वैकेंसी है वो 2417 यहाँ पे दिखा रहा है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में 2417 है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 18 से 25 एज ग्रुप में उत्तराखंड की हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में 233 टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। 233 टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखाई जा रही है। 18 से 27 एज ग्रुप में बात करें तो टोटल वैकेंसी दिल्ली में है आपकी 752, और 18 वैकेंसी आपकी उत्तराखंड में 18 से 27 एज ग्रुप में, ठीक है। दिल्ली में 752 है और 18 है आपकी उत्तराखंड में 18 से 27 एज ग्रुप वालों में। अब चलिए वैकेंसी कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी बढ़ी हैं या फिर घटी हैं। तो गाइज़ ये ऑफिशियल पीडीएफ है टेंटेटिव वैकेंसी वाली, और आप डेट भी देख सकते हैं जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं एनआरिजन में दिल्ली की टोटल वैकेंसी 1244 थी, और आरटीआई रिप्लाई में कितना दिखाया गया, आरटीआई रिप्लाई में दिखाया गया है आपका 2417, ठीक है। 2417 टोटल दिखाया गया है। मैं एक सर्विसमैन ओएच वीएच, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सारे हैं आपके जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इन सभी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो आरटीआई रिप्लाई में कितनी वैकेंसी दिखाई गई थी दिल्ली की, तो वो थी 2417, ठीक है। और यहाँ पे अभी है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पुराने पीडीएफ में कितनी दिखाई गई थी टेंटेटिव वैकेंसी में, वो है 1244। अगर हम लोग इसको माइनस करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 711, ठीक है। 1100 के प्लस में वैकेंसीज बढ़ी हैं, अभी बहुत ही अच्छी बात है जो भी एस्पिरेंट है उन सभी के लिए, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लगभग वैकेंसी जो है वो 10000 के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। लगभग वैकेंसी आपकी 10000 के पास पहुंच जाएगी, बिल्कुल कंफर्म है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 18 से 25 एज ग्रुप में उत्तराखंड की, तो 18 से 25 एज ग्रुप में उत्तराखंड की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है, जो कि है आपकी 188, ठीक है। और आरटीआई रिप्लाई में कितनी है अपडेटेड, वो है 233। तो अगर हम लोग इसको माइनस करें तो 45 वैकेंसी आपकी 18 से 25 एज ग्रुप में उत्तराखंड की बढ़ी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम लोग 18 से 25 की बात कर रहे हैं, 18 से 27 में दोनों ही जो स्टेट हैं उनका हम लोग बात करेंगे। तो 18 से 25 एज ग्रुप में दिल्ली की जो वैकेंसी है वो 1173 बढ़ी है, और उत्तराखंड की जो वैकेंसी है वो आपकी बड़ी है 45, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं 18 से 27 एज ग्रुप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 27 एज ग्रुप में यहाँ पर आ गया एनआर वैकेंसी, ठीक है। एनआर स्टेट, माफ़ कीजिएगा, एनआर रीजन का हम लोग देखेंगे तो दिल्ली में देखिए 622 यहाँ पे दिखा रहा है, 622, और आरटीआई में अपडेटेड है 752, ठीक है। तो 622 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 0 या 3 और 1, यानी कि 130 वैकेंसी 18 से 27 इस ग्रुप में दिल्ली में बढ़ी है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो 18 से 27 एज ग्रुप में यहाँ पर 18 वैकेंसी है, और आरटीआई रिप्लाई में भी 18 ही हैं, यानी कि कोई भी इसमें बढ़ोतरी या फिर घटाव नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, देखिए 18 से 25 एज ग्रुप में दिल्ली की वैकेंसी जो बढ़ी है वो है 1173, उत्तराखंड की जो वैकेंसी बढ़ी है वो है आपकी 45, ठीक है। 18 से 27 की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर 130 वैकेंसी बढ़ी है दिल्ली में, और उत्तराखंड में आपकी वैकेंसी बढ़ी घटी कुछ भी नहीं है, उतनी की उतनी ही 18 थी 18 ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल निकालें कि कितनी वैकेंसी बढ़ी हैं 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप मिलाकर, तो दिल्ली की सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में देखिए 18 से 25 में
1173 वैकेंसी बढ़ी थी और 18 से 27 में दिल्ली में जो है आपकी 130 वैकेंसी बढ़ी है, यानी कि तीन इधर हो गया, 7, 3, 10, 1, 1, 2, 1, 3 और ये 1300 वैकेंसी बढ़ी हैं आपकी दिल्ली में सिर्फ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है जो भी MTS के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए एक तरह से। एक और उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उत्तराखंड में आपकी वैकेंसी 18 से 25 में 45 बढ़ी थी और इधर में कुछ भी नहीं बढ़ी, यानी कि इसमें भी उत्तराखंड में भी 45 वैकेंसी ओवरऑल बढ़ी हैं अगर हम लोग दोनों एज ग्रुप बोले तो। एक एज ग्रुप में तो बढ़ी ही नहीं है लेकिन 45 वैकेंसी टोटल इसमें भी बढ़ी हैं। तो ये एक मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया और ये बहुत ही अच्छी बात है जो भी MTS के एस्पिरेंट है। थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा खासा जो प्रभाव है कट ऑफ पे आपको देखने को मिलेगा और चांसेस हैं कि जो वैकेंसी है वो घटे ना 10,000 के करीब में रहे। ठीक है, आशा है कि 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो ये था अपडेट गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे रीज़न का हम लोग ऐसे ही अपडेटेड वैकेंसी या फिर जो भी अपडेट है आपको सबसे तेज आपको SSC की सारी अपडेट हमारे चैनल पे ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है जो अपडेट है उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैनल पे बहुत सारे RTI रिप्लाइज आए थे अभी अलग अलग रीज़न के, जैसे आपका MPR हो गया, MPR रीज़न की वैकेंसी भी बताई गई है वहाँ पर। उसके बाद आपका NER हो गया, ठीक है, NER हो गया, और भी रीज़न है जिसका वैकेंसी अपडेटेड हम लोग बताने वाले हैं RTI का रिप्लाई आते ही। तो वो वीडियो मिस नहीं करने के लिए माफ़ कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।